दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रेनू जी हैं जो काफी समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा राम रहीम सिंह जिंसा के लिए, इसे सीधी बातचीत करते हैं। ये वेल एजुकेटेड हैं और प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब करते हैं। रेनू जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा सौदा? मैं तो 8-9 साल हो गए। कैसा माहौल लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि इस दिन का मैं इंतजार कर रही थी कि 25 जनवरी कब आए और मैं डेरा में जाऊँ, अपना पिताजी का जन्मदिन खुशी से मनाए। मैम आज भी आप आश्रम में आए हुए हो। हाँ जी। बीइंग गर्ल आपको कैसा माहौल लगता है आश्रम? अरे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी संगत मुझे मिलेगी और मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। बहुत मतलब विश्वास है मुझे अपने गुरु के प्रति। कोई भी कुछ कहता रहे, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ ज़्यादा, बस अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास है। और तब से लेकर आज तक मैं डेरा से जुड़ी हुई हूँ, अपने वचनों पर अमल करती हूँ और अपना भगवान पर विश्वास रखती हूँ। सेफ्टी को लेकर क्या कहना है आपका? सेफ्टी कैसी रहती है गर्ल्स की यहाँ आश्रम में? बहुत अच्छी सेफ्टी है यहाँ। मेरी सिस्टर्स है वो भी यहाँ स्टडी की है सासाराम जी गर्ल्स कॉलेज में। बहुत ही अच्छा माहौल है। और लेकिन माहौल को लेके काफ़ी कुछ बोला गया था पहले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा माहौल है, लड़कियों को लेके हर सुविधा है। कभी भी जो इतना कुछ 3-4 साल पहले मीडिया में दिखाया जा रहा था, कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं? नहीं, कभी भी नहीं देखा। बहुत मतलब बुरा लगता था, मैं सुन भी नहीं सकते थे ऐसी बातें बोलते थे। लेकिन हम तो सच्चाई जानते हैं ना क्या थी हमारे डेरा में और हमारे गुरु जी कैसे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है लड़कियों के लिए, बहुत ही अच्छे हमारे गुरु जी हैं। बस हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हमारे गुरु जी के बारे में, हमें कितना ज़रूरत है समाज को उनकी। हाँ जी बिल्कुल है। उन्होंने किया क्या है समाज के लिए? अच्छा ही किया है, बुरा तो कुछ किया ही नहीं। हर मनमता भलाई के कार्य किए हैं, हमेशा लोगों को प्रेरित किया है, उजागर किया है। अब 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? अरे वापी तो बहुत बुरा हाल हो गया। नशे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग नशों में पड़ गए, गुंडागर्दी में पड़ गए और बहुत बुरा माहौल हो रहा है। हम ये सोचते हैं बस जल्दी से गुरु जी आए और नशों से छुटकारा मिल जाए और जल्द अच्छी सत्संगी होए नशों के बारे में, ताकि लोग नशा छूट जाए। क्या अपील करोगे सरकार से संत जी के लिए? बस अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी गुरु जी को बाहर आने का अवसर दें, ताकि हम भी अपने गुरु जी के दर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो लड़कियां हैं जो काफ़ी समय से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं, जिनका कहना है झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर सच क्या है ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।